जय हिंद। आज मैं आपको तीन प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है, मुख्य रूप से पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको आज मैं बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे समझा दूंगा कि आपको और भी YouTube पर किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधनों के स्वामित्व, मतलब स्वामित्व का मतलब होता है कि ओनरशिप, जितने भी रिसोर्स पाए जाएंगे उस देश में उसका मालिक कौन होगा, उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा, उसके आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको मिलेगी। एक तो है जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, जो बाजार के फोर्स से चलेंगे। दूसरा है उस पर सीधे सीधे सरकार का नियंत्रण होगा, कंट्रोल करेगा। और एक तीसरा है जिसको मिश्रित बोलेंगे, जिसमें निजी लोगों का भी और सरकारी दोनों का ही एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। अब देखिए, उत्पादन के साधन पे किसका नियंत्रण होगा। उत्पादन के साधन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर करना हो तो कितना मात्रा में करना हो और उसका उद्देश्य क्या है करने का, और उसकी कीमत कितनी रखी जाएगी, मतलब किसी चीज़ का उत्पादन कितना करना है, क्यों करना है और उसकी कीमत कितनी रखनी है, उसके आधार पे आपको तीन प्रकार के मिल जाते हैं, एक पूंजीवाद, एक समाजवादी, एक मिश्रित। साथ ही साथ सरकार की भूमिका, तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की अलग अलग भूमिका है। एक पूंजीवाद देखते हैं जिसमें सरकार बहुत ही नगण्य भूमिका में रहती है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार पूरी भूमिका में होती है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिला जुला रूप रहता है, कुछ चीज़ों को सरकार कंट्रोल करेगी और कुछ जो आर्थिक एक्टिविटी होंगे उसको निजी या बाजार के द्वारा वो नियंत्रण होगा। अब देखिए, इसमें एक आप समझ रहे होंगे उत्पादन के साधन क्या होते हैं। किसी भी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए चार चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में आप एकदम स्पष्ट रूप से समझे रहिए। पहला, आप जानते हैं कि पूंजी चाहिए, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। भारत के पास पूंजी का थोड़ा अभाव है। उसी तरह से लैंड चाहिए, लैंड का मतलब भूमि, कहीं ना कहीं धरातल चाहिए ना जी। अब धरातल जो है उसी पर तो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगेंगी, और भारत में इसकी कोई कमी नहीं है, भारत में तो लैंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तीसरा चाहिए श्रम, यानी कि लेबर, तो भारत में इसकी भी कमी नहीं है। भारत की जनसंख्या ऐसे ही इतना ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, चीन के बाद दूसरा नंबर पे हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, और ऐसे भी चीन को हम हरा देने वाले हैं 2027 में। हम इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि 2027 में उसको हरा के हम नंबर एक बन जाएंगे, हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और चाहिए कहीं भी उत्पादन करने के लिए, वो है उद्यमिता, यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप। अब ये इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये होता है जोखिम लेने की क्षमता। जोखिम का मतलब क्या होगा, रिस्क लेना। किसी भी फैक्ट्री लगाएंगे या कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं उसमें रिस्क फैक्टर होता है, वह सफल होगा कि असफल हो जाएगा ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो रिजिड होता है, जो डिटरमाइंड होता है, रिस्क ले सकता है, उसी को बोलते हैं कि उद्यमशील व्यक्ति है। तो भारत में इसकी भी कमी है। तो भारत में दो चीज़ तो उपलब्ध है, लैंड, श्रम, लेकिन पूंजी और उद्यमशीलता कम मिलता है, बहुत ही कम है। इसी कारण से भारत का विकास जो है बहुत तेज गति से नहीं हो पा रहा है। इसकी क्षमता, इसकी पोटेंशियलिटी और भी तेज गति से वृद्धि करने की है, विकास करने की है। अब देख लीजिए, पूरे दुनिया में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाती है, एक है पूंजीवाद, एक है समाजवाद, एक मिश्रित। पूंजीवाद की क्या विशेषता है इसको समझ लीजिए। देखिए, पूंजीवाद में अहस्तक्षेप की नीति, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, किसको कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होगी, उसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। समाजवादी में क्या है कि सरकारी हस्तक्षेप होता है, इसका मालिक जो होते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएँ होती है यहाँ पे, जो प्रोडक्शन का काम होता है, उसके असली मालिक जो होते हैं वहाँ की सरकार होती है। और मिश्रित में क्या होता है कि इसमें दोनों का मिला जुला रूप मिलेगा, पूंजीवाद का भी मिल जाएगा और समाजवाद का भी मिला जुला रूप मिल जाएगा, यानी दोनों की जो विशेषता है उसको लेकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दिया। एक प्रकार का खिचड़ी समझ लीजिए, है ना, इसको अगर दाल समझिए, इसको भात, तो इसको खिचड़ी, दोनों के मिला दीजिए, इसमें हो गया। तो इस चीज़ को अभी आप को और अच्छे डिटेल से हम समझा देते हैं, लेकिन एक उदाहरण से आप इसको समझिए तो और ज़्यादा आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए, मान लेते हैं कि एक घर है, उस घर में मान लेते हैं, ये उदाहरण बहुत ही फनी है, एक घर है और इसमें एक टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं एक टीवी लगा हुआ है और टीवी को देखने के लिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे एक व्यक्ति यहाँ टीवी देख रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है, वहाँ टीवी देख रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ टीवी देख रहा है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, वो भी टीवी देख रहा है। मान लेते हैं कि ये हमारे पिताजी हैं,
ये टीवी देख रहे हैं और ये हम है, है ना, ये मान लेते हैं हम है, और ये मान लेते हैं कि मेरी वाइफ है, ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं, मान के चलना है। और यहाँ पे एक किचन है, घर में किचन तो होता है, यहाँ पे किचन है, किचन में बहुत सारे खाना बनाने का सामान यहाँ भरा पड़ा है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि हमारी वाइफ को भूख लगी, वो क्या करेगी, किचन में जाएगी, किचन में जो सामान है उससे वो खाना बनाएगी, और खाना बना करके वह ले के आएगी और टीवी देखने लगेगी और साथ ही खाना को खाने भी लगेगी, वह खुद ही सारे खाना खा जाएगी। अब वह खाना जो है वो दूसरे को नहीं दी, अगर हम पूछेंगे कि भाई खाना आप नहीं दिए, तो वो बोली कि देखिए हमारी तो स्वतंत्रता है, हमको जितना इच्छा किया हमने गया, यहाँ पे ऑलरेडी संसाधन रखे हुए थे, हम गए वहाँ, वहाँ पे बना लिए, खाना बन गया, हम आकर के यहाँ बैठ के खा लिए। अब आपकी भी मर्जी है, अगर आपको भी भूख लगा हुआ है तो जाइए और किचन में सामान रखा हुआ है और वहाँ उठाइए, बनाइए और खा लीजिए। तो ऐसी जो मानसिकता है और ऐसी जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, इसको बोलेंगे पूंजीवाद। इसमें क्या है, संसाधन ऑलरेडी रखा हुआ है, अब आपको उसका प्रयोग करना है अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, आप स्वतंत्र है, उसको कैसे प्रयोग करना है, किस मात्रा में प्रयोग करना है, ये आप समझ गए। अब मान लेते हैं कि अब ये जो है ये व्यक्ति ऑलरेडी खा ली, अब मान लेते हैं कि हमको भूख लगा, हम क्या करेंगे, हम भी गए किचन में और वहाँ जा कर के खाना बनाए और खाना ले करके हम फिर आ गए टीवी देखने के लिए और वो वहाँ पे खाने लगे। लेकिन हमारे जो पिताजी है वो बोले कि तुम अकेले खाओगे, तुम बाकी लोगों को भी दो, यहाँ जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी बराबर मात्रा में दो और हमको भी दो और बगल में जो है उसको भी दो खाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि तुम अकेले नहीं खा सकते हो, तुम सब में बराबर बराबर हिस्सा बाँट करके तब खाओ। तो अब क्या है कि हमको तो बुरा लगा, हमारी वाइफ जो है वो तो अकेले खा ली, लेकिन हमको तो बांट के देना पड़ रहा है, सब में समान रूप से बटेगा, तो सब में समान रूप से जब बटता है तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो संसाधन है, बनाया तो हमने, मेहनत तो हमने किया, एक व्यक्ति ने मेहनत किया लेकिन वह सारे व्यक्ति में बराबर बट गया, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं समाजवाद। इसमें हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात हो गया, हमारे पिताजी ने हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात करके कहा कि नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता ज़्यादा माने नहीं रखती है, समानता ज़्यादा माने रखती है, इसलिए तुम सब में समान रूप से बांटो। और पहला क्या था, पहला में स्वतंत्रता ज़्यादा था, समानता उनके लिए माने नहीं था, तो कैपिटलिस्ट हो गया, और जिसमें स्वतंत्रता कम और समानता ज़्यादा माने रखता है तो वह समाजवादी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए, इसमें होगा क्या कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता कि संसाधन रखा हुआ है जितना मात्रा में उपयोग करिए और उसके अपना प्रगति करिए, तो सभी लोगों में एक कंपटीशन का माहौल बनता है, सब लोग काम करना चाहता है, सब लोग अपनी प्रगति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि एक व्यक्ति कमाया और बाकी लोग उसको उसके हिस्से को बांट लिया, तो क्या करेगा कि अगले दिन अगर हमको फिर से भूख लगेगा तो हम जाके खाना नहीं बनाएंगे, हमको पता है कि दूसरे किसी और को भूख लगेगा, ये जाएगा फिर किचन में खाना बना के तो लाएगा ही लाएगा, और लाएगा तो सब में बराबर तो बट ही जाना है, तो सब में बराबर जब बट जाएगा तो हम क्यों काम करेंगे। तो वहाँ एक मानसिकता क्रिएट हो गई कि लोग जो है काम करना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बैठे बैठे ही रह गए और वो चाहेंगे कि दूसरा कर ले और उसमें से हिस्सा हमको मिल जाएगा, तो ये एक मानसिकता पैदा हो जाता है। हालांकि ये उदाहरण हम आपको एक सिंपल वे में समझाने के लिए बताए हैं कि पूंजीवाद किसको कहते हैं, समाजवाद किसको कहते हैं, लेकिन हूबहू ऐसी स्थिति नहीं होती है, उसको थोड़ा और आप समझ लीजिए। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह पैदा कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पता होगा यूरोप में अंधकार युग चल रहा था, और अंधकार युग जैसे ही खत्म होता है, जब पुनर्जागरण का काल शुरू होता है, जब कुस्तुंतुनिया का पतन होता है, तो उस समय में बहुत सारे देशों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है व्यापार करने के लिए, और वह दूसरे दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करता है, वहाँ उपनिवेश स्थापित करता है, उसी समय पूंजीवाद का उदय होता है। पूंजीवाद का उदय होते ही सामंतवाद खत्म हो जाता है, और पूंजीवाद जैसे ही धरती पे आता है वह बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला देता है, देशों का विकास बड़ी तेजी से होता है। इसके अंदर में सिद्धांत क्या है, इसमें एक व्यक्ति थे उसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बोला था कि जितने भी संसाधन हैं उस पे सरकार को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए निजी व्यक्ति के लिए, जिसमें जितनी क्षमता है
वह अपना जाइए संसाधन को उठाइए और उस संसाधन से अपना विकास करिए, इससे देश का भी विकास होगा और अगल बगल के समाज का भी विकास हो जाएगा उसका प्रभाव पड़ते प्रभाव जब पड़ेगा तो। तो एडम स्मिथ एक किताब लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और उसने बताया था कि पूंजीवाद बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अपनाया जाना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या, इसमें पूंजीवाद में क्या होता है कि जो भी बाजार की शक्ति के द्वारा ही मांग और पूर्ति का जो है नियंत्रण होता है। बाजार शक्ति का मतलब क्या है, कितना मात्रा में उत्पादन करना है किसी चीज़ को और कितना मात्रा में उसका जो है उसका उसका दाम रखा जाएगा, उसका प्राइस कितना रखा जाएगा, ये निश्चित होता है बाजार की शक्ति के द्वारा। जैसे इसका एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, मान लेते हैं कि हम जय सिंह नाम का एक कंपनी है, जय सिंह नाम का एक कंपनी है जो कलम बनाती है यानी पेन बनाती है पेन। अब मान लेते हैं कि 1000 पेन हमने बनाया, हमने मार्केट में उसको बेचा, लेकिन बाद में हमारा पेन जो है बहुत अच्छा था तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ा, बहुत सारे लोग उसको प्रयोग करने लगे। अब पेन की डिमांड हो गई कि नहीं, अब 1000 से काम नहीं चल रहा है, अब आपको कम से कम 10000 पेन मार्केट में देना होगा, लेकिन हमारे पास संसाधन उस समय सीमित है, हम नहीं दे सकते हैं 10000 पेन। तो हम क्या करेंगे, 1000 पेन जो है जिसको हम 5 रुपये बेच रहे थे उसी के प्राइस को बढ़ा देंगे, उसका दाम बढ़ा देंगे। पहले 5 रुपये बेच रहे थे, अब उसको हम 10 रुपये बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कलम की मांग ज़्यादा है, यानी कंपटीशन जो है मार्केट में नहीं है, हमारी ही कलम बिकेगी। 5 रुपये में बेचेंगे तब भी और 10 रुपये में बेचेंगे तब भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उत्पादन भी हम कर रहे हैं और प्राइस का डिटरमिनेशन भी हम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, बाजार की शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम बढ़ा ही देना है, दाम तो बढ़ ही जाएंगे। तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसी तरह से प्राइस का डिटरमिनेशन होता है, प्राइस का निर्धारण होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसका पूरा संचालन बाजार करती है, चाहे उत्पादन हो, चाहे उपभोग हो, चाहे विनिमय हो, चाहे वितरण हो। इसको तो अभी आपको ये उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसकी कीमत क्या होगी, वो बाजार द्वारा तय होगा, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। देखिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलता है क्यों, अपने लाभ के लिए खोलता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति जो आपका निवेश करते हैं किसी चीज़ में और वह प्रोडक्शन करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट हमें ही मिले। कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 99% जो फायदा होता है वो सिर्फ कंपनी वाले उठा लेते हैं और 1% में सारे लेबर्स वगैरह को पे करते हैं। तो इससे क्या है कि बेचारे गरीब जो है वो गरीब ही बनते चले जाते हैं, जो धनी है वो धनी ही बनते चले जाते हैं। आय की असमानता इसमें अधिक हो जाती है, इतना ज़्यादा आय की असमानता हो जाती है कि कहा जाता है कि 1% लोग जो है वह 70-80% संसाधनों पे वो कब्जा किए हुए रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, इसमें आर्थिक असमानता तो पैदा होती है लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है लोगों को। जैसे यहाँ हमने बताया था कि आर्थिक स्वतंत्रता होती है, सरकार उनको छोड़ देता है, उनको कंट्रोल नहीं करता है, कहता है कि भैया आप अपने स्वतंत्र रूप से जितनी क्षमता है उसके अनुसार अपना आप वर्क करिए और लाभ कमाइए। साथ ही साथ इसमें मुक्त बाजार की एक कॉन्सेप्ट है, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि सरकार इसमें बहुत कम टैक्स लगाएगी, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, आयकर बहुत कम मात्रा में लेगी और व्यक्ति को एकदम छोड़ देगी कि भैया आप जाइए अपना बिजनेस करिए और उससे लाभ कमाइए। साथ ही साथ इसमें इसके दोष है कि इसमें आर्थिक असमानता तो होती ही है। जैसे अमेरिका अपनाया था सबसे पहले 1777 में अमेरिका ने सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, वहाँ पे आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो गई थी। साथ ही साथ कल्याणकारी कार्य इसमें कम करते हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग होते हैं लोगों के लिए कल्याणकारी यानी वेलफेयर जो वर्क होते हैं वो कम करते हैं। अब देखिए इसको आप समझ गए तो समाजवादी को समझ लीजिए। समाजवादी में देखिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है। सरकारी स्वामित्व जितने भी संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उसमें सरकार का नियंत्रण होता है, उसमें निजी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। साथ ही साथ इसी को कहा जाता है कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था है, स्टेट डिपेंडेंट इकोनॉमी होता है, यह पूरी तरह से राज्य पर आधारित होता है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि यह काल मार्क्स के विचारों के ऊपर चलता है। काल मार्क्स जो 1818 से 1883 के बीच में थे, जर्मनी के थे और ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, इन्होंने एक किताब लिखा था दास कैपिटल,
और दास कैपिटल नाम का जो किताब है उसमें उन्होंने बताया था कि पूंजीवाद जो है वो कैसे शोषण करता है। पूंजीवाद जो है एक पूरे बहुत बड़ा वर्ग को, बहुसंख्यक आबादी का शोषण करता है और कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति भरते चला जाता है। कुछ लोग धनी होते जाएंगे और बाकी लोग गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो निचले लेवल के होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। और आपको पता है कि इसमें जो होता है उद्देश्य वह जन कल्याण करना है। इसमें स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता कम होती है, लेकिन इसमें आर्थिक समानता पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और समानता नहीं होनी चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, है ना। तो इसमें सबका विकास होने की एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है। देखते हैं कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें सरकार ही डोमिनेट कर रही है, किसी को तो फैक्ट्री लगाने नहीं दे रही है, वो सब कुछ कंट्रोल तो सरकार ही कर रही थी। इसलिए इसमें कंपटीशन का माहौल ही नहीं होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ नहीं होती है। और इससे एक निराशा वाली स्थिति भी पैदा होती है जब होड़ नहीं होता है। तो क्या होगा कि इसमें आर्थिक समानता में ज़्यादा जोर है। हालांकि जोर है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि समाजवाद में एकदम आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। ऐसे सबसे पहले सोवियत संघ ने 1917 में इस पे एक प्रयोग किया था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना करके। उसने क्या किया कि समुदाय के द्वारा नियंत्रित किया सभी चीज़ों को, और उससे वह लाभ की स्थिति में, मतलब लाभ कमाने के लिए उसने इस तरह की व्यवस्था की। लेकिन यह व्यवस्था ज़्यादा दिन तक चली नहीं। आपको पता है कि USSR टूट गया था इसी की वजह से, और बाद में 15 भागों में टूट करके अलग अलग छोटे छोटे देश भी बन गए उसका। साथ ही साथ आप ये समझिए कि चीन जो है 1949 में इसी तरह की व्यवस्था को अपनाता है। लेकिन चीन की जो व्यवस्था है और रूस की व्यवस्था है, उस दोनों में अंतर है। रूस जो है वह पूरी तरह से समाजवादी देश है, यानी कि समाज वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी चला। लेकिन चीन जो है वह साम्यवादी इकोनॉमी को लेके चला। साम्यवादी, साम्यवादी का मतलब होता है सरकार तो सभी चीज़ पे कंट्रोल करेगी ही, साथ ही श्रम को भी कंट्रोल करेगी। इसमें है कि सरकार सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगी लेबर को छोड़ के। इसमें लेबर भी कंट्रोल करती थी चीन सरकार। हालांकि अब यह व्यवस्था न चीन में है न रूस में है, बल्कि इन दोनों देशों की जो व्यवस्था है वह धीरे धीरे मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा पूंजीवाद की तरफ उनका भी इंक्लाइंड हो गया, झुकाव हो गया है। साथ ही साथ देखिए इसकी आलोचना क्या किया जाता है, इसमें निवेश नहीं होगा। अब बाहर के लोगों को आने नहीं दे रहे हैं और अंदर के लोगों को बाहर नहीं जाने दे पा रहे हैं, तो निवेश लोग क्यों करना चाहेगा? तो निवेश नहीं होगा तो पूंजी की कमी हो जाएगी। पूंजी की कमी हो जाएगी तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? गरीब तो होंगे ही, संसाधन की बर्बादी होगी। राज्य ही बाद में शोषक बन के उभर जाता है। कहता है कि राज्य लोगों को समानता स्थापित करने के लिए कहता है कि भैया आप हमको सोशल जस्टिस करना है, लेकिन बाद में पता लगा कि राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बन के उभर गया था। साथ ही साथ ऑस्कर लेंज ने कहा इसी की आलोचना करते हुए कि भाई जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसको बाजार समाजवाद अपनाना चाहिए, मार्केट सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना लेना चाहिए। बाजार कहने का सीधा मतलब है कि पूंजीवाद की तरफ इनको हाथ बढ़ा देना चाहिए। बहुत सारी इसमें त्रुटियां आ गई है, उसको सुधारने के लिए ज़रूरी है कि समाजवाद में कुछ पूंजीवाद वाले गुणों को लाया जाए। साथ ही साथ अभी आपको हम बताते हैं कि एक किन्स नाम के विद्वान थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है ब्रिटिशर्स, और इनका नाम है जॉन मिनार्ड किन्स। इन्होंने तो कहा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें समाजवादी गुण आना चाहिए, यानी पूंजीवाद की आलोचना करके उन्होंने कहा था कि उसमें समाजवाद होना चाहिए। आलोचना क्यों किया? क्योंकि 1929 में एक महामंदी छा गया इस पूरे विश्व में इसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण, और यह महामंदी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले देशों में हुआ 1929 में, वैश्विक महामंदी। इसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। इतना बड़ा विशाल मंदी चला कि बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या करके मर गए, बहुत सारे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो गई, ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तो किन्स ने कहा, इसका पूरा विश्लेषण करके कहा कि इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, पूंजीवाद को समाजवाद की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और उनका सुझाव मान करके पूंजीवादी देशों ने फिर से प्रगति करना शुरू किया। तो कारण तो है कि वैश्विक महामंदी, साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र साथ साथ होते हैं। साथ साथ होने का क्या मतलब हुआ कि कुछ चीज़ों को सरकार कंट्रोल करेगी जो बहुत अनिवार्य चीज़ है, और
जिस पे निजी लोग ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, उसमें निवेश नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो उसको सरकार करती है। और जहाँ पे निजी लोगों को लाभ मिलता है वहाँ निवेश करने के लिए निजी वाले लोग जो है निजी लोग उसमें आते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों के बीच संतुलन बना रहता है, सरकार और निजी के बीच में। इससे क्या है कि विकास भी बहुत बढ़िया संतुलन होता है, क्योंकि यह विश्व बैंक ने भी माना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा हर व्यवस्था में थोड़ा सा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ दोनों चलता है, यानी समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप यहाँ मिलता है देखने को। साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, आर्थिक नियोजन इसीलिए किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ सामाजिक न्याय पर बहुत जोर है। हमारे भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन देशों ने अपनाया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि उनको इस दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने में हिचक हो रही थी और आजमाया नहीं था, इसीलिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएं। तो भारत ने भी अपनाया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने वाला दुनिया में सबसे पहला देश फ्रांस है, 1945-44 में उसने अपनाया था। बाद में अब दुनिया धीरे धीरे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, इसमें भी बहुत सारे सुधार होते रहे हैं समय समय पे, बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना सुझाव दिया है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके सुझाव आते रहा है। जैसे सेंटियागो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जैसे वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके आधार पर मिश्रित इकोनॉमी में भी मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सुधार हो रहा है। तो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा समझने में और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब नेक्स्ट में हम फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।